रोडवेज बस चालान को लेकर बढ़ा विवाद। चालान पर राजस्थान हरियाणा आमने सामने, दोनों राज्यों में एक दूसरे के काटे जा रहे हैं चालान। राजस्थान ने 26 हरियाणा रोडवेज बस के चालान काटे। हरियाणा में राजस्थान की 90 बसों के चालान काटे। दोनों राज्यों में चालान को लेकर ये विवाद। हरियाणा और राजस्थान में बसों के चालान को लेकर ये सारा मामला सामने आया है। राजस्थान ने 26 हरियाणा रोडवेज बस के चालान काटे, वहीं हरियाणा में राजस्थान की 90 बसों के चालान काटे गए। और आपको बताते हैं कि ये विवाद कैसे शुरू हुआ। दरअसल हरियाणा पुलिस की महिला पुलिसकर्मी एक राजस्थान रोडवेज की बस में बैठ गई और टिकट मांगने पर स्टाफ बताया, लेकिन बस का कंडक्टर टिकट मांगने पर अड़ गया। आपको दिखाते हैं आखिर क्या हुआ था बस में। 50 रुपए दो, दारवेड़ा जाना है। हाँ लाओ 50 रुपए दो। नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? यात्रा करनी है तो लगेंगे। हरियाणा में चलती है तो हरियाणा में जब आएगा नहीं इसके तो मैं बात करूंगा। डिपार्टमेंट वाले नहीं करते, नियत खराब होती है। कोई बात नहीं, नियत लाओ जल्दी दो भाई। जब फिर अफसर आएगा मैं बात करूंगा। उतर लो या तो उतर लो, या यात्रा करनी है तो किराया दो। नहीं उतरना भाई, यात्रा करनी है तो किराया देना पड़ेगा। किराया देना पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं दिया जाता, नहीं दूंगी। ना ना कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेडीज जा रही है ना, कोई जबरदस्ती नहीं है। यात्रा करनी है, किराया देना पड़ेगा। खड़ी रखनी है, जहाँ ले चलनी वहाँ ले चल। ना यात्रा करनी है तो किराया देना पड़ेगा।